उमा, मुझे पता है कि तुमने रात से ना कुछ खाया होगा ना कुछ पिया होगा। तो मैं तुम्हारे लिए घर से सैंडविचेस और चाय बना के लेके आई। थैंक यू, बैठो। थैंक यू उमा, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ रात को उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पेरेंट्स का इतना बड़ा मसला चल रहा है, तुम कितनी मुश्किल में हो, और मैं हूं कि मैं बहुत बुरी हूं। समझ का वाला प्रश्न, तुम्हें क्या पता तुम्हारे यहाँ आने से मेरा कितना हौसला बढ़ा, तुम्हें अपने साथ पाकर कितना खुश हूं मैं। माही नजर नहीं आ रही। चली गई। चली गई? मुझे तो लग रहा था कि उसने अपनी इज्जत छोड़ दी होगी। अब्बा से बात करना, उनकी शक्ल देखना, कि पास तक जाना गवारा नहीं किया उसने। कितना चाहते हैं उसको, आज से नहीं हमेशा से। एक बहू की हैसियत से नहीं, बेटी की हैसियत से ये सब हुआ क्यों? उसी को मनाने जा रहे थे ना अम्मी अब्बा। छोड़ो उमर, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना मोहब्बत की कदर होती है और ना मान रखना आता है। ठीक कह रही हो। खैर, थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें अंदर जाके अम्मी के पास बैठना चाहिए। क्यों, इस तरह हमें कोई अकेले में देख लेगा तो, मतलब समझ रही हो ना? चली जाती हूँ, तुम्हें जी भर के देख तो लूँ। कितनी अजीब सी बात है ना उमर, कि जिसका तुम पर हक है उसको तुम्हारे साथ वक्त गुजारना गवारा नहीं, और मैं जो तुम्हारे साथ दो घड़ी लम्हे गुजारने को तरसती हूँ, तुम्हें डर है कि कहीं जमाना हमें देख ना ले। खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ।